वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, इट इज ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन. अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कॉपरेटिव स्टोर के बारे में पढ़ा था कि कॉपरेटिव स्टोर क्या होते हैं, उसकी क्या फीचर्स थी, क्या एडवांटेजेस थी, वो सब हमने देख लिए थे जो लार्ज स्केल के हम रिटेलर्स पढ़ रहे थे. अब यहाँ पे एक और रिटेलर है जिसका नाम है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, राइट. एज इट इज नेम सेज, इसका नेम यहाँ पर कह रहा है कि ये ऑटोमेटिक यानी खुद से कैसी मशीन है, वेंडिंग मशीन है जो सेल आउट करती है. तो अब हम इसके नाम को ही थोड़ा सा और डीप में जाएं तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि एक ऐसी मशीन जो गुड सेल करती है ऑटोमेटिक, मतलब खुद से, यहाँ पर हमें किसी सेलर की नीड नहीं है, कोई सेलर नहीं होता यहाँ पे. सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि एक मशीन हमने लगा दी और वो जो है खुद से गुड सेल आउट कर रही है, वहां पर हमें किसी सेलर की नीड नहीं है. हमने सुना होगा एटीएम के बारे में, सुना होगा बेटा हमने एटीएम, ये क्या होती है, एटीएम मशीन है, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. मीन्स एटीएम क्या होते हैं, हमें बैंक से कार्ड मिलता है, हम उस कार्ड को स्वाइप करते हैं मशीन में और मनी विड्रॉ कर लेते हैं. ये क्या कर रही है एटीएम मशीन, ये बैंक का काम करती है, यानी कि बैंक में जो वहां पे पर्सन बैठे हैं कैश काउंटर पे, नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता था, पहले बैंक में जाते थे, बैंक की लाइन में लगते थे, स्लिप फिल आउट करते थे, उन्हें स्लिप देते थे, आफ्टर डेट वो स्लिप में हमारी सारी एंट्रीज चेक करते थे, साइन चेक करते थे कि वो पर्टिकुलर पर्सन ही कैश कैश विड्रॉ करने आया या नहीं, जिसका अकाउंट है, चेक करके आफ्टर डेट वो क्या करते हैं, हमें हमारा पेमेंट दे देते हैं. मीन्स हमें हमारा पेमेंट लेने के लिए कैश काउंटर पे एक ह्यूमन पर्सन की नीड थी. अब जब से ये मशीन आई है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मशीन एस्टैब्लिश कर दी गई है पूरी सिटीज में, बहुत सारी पर्टिकुलर बैंक्स की भी अलग अलग होती हैं, ये प्लेस लेकर मशीन सेटअप कर देते हैं, उसके अंदर कैश डाल देते हैं और बैंक से हमें कार्ड इश्यू कर दिया जाता है. कार्ड को स्वाइप करते हैं, कार्ड हमारी सारी डिटेल ले लेता है अकाउंट की और हमें उतनी मनी विड्रॉ करके दे देता है. इट मीन्स दैट नो नीड ऑफ ह्यूमन पर्सन. तो आज की डेट में जो हमारा मॉडर्न लाइफ चल रही है, डिजिटल लाइफ में इन सब चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो गई है. तो ड्यू टू दैट डिमांड ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन भी इसी का एक दूसरा आप एग्जांपल समझ सकते हैं. जैसे हम लोग जाते हैं मोस्टली जो बिग सिटीज हैं, बिग सिटीज में क्या होता है वहां पर, जैसे वहां पे सपोज कीजिए मिल्क सेल आउट करना है हमें, तो मिल्क सेल आउट करने के लिए मदर डेयरी में मशीन लगी हुई होती है, मदर डेयरी की मशीन होती है. वहां पे क्या मिलता है आपको, टोकन मिलते हैं. जैसे हम दिल्ली की बात करें वहां पर, तो आपको क्या मिलते हैं वहां पे, छोटे 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 से टोकन टाइप से मिलते हैं. वो जो कॉइन है, वो जो टोकन है, आपको उस मशीन में डालना होता है, पुट ऑन करना होता है. जैसे मशीन में वो कॉइन आप डालते हैं, मशीन उसका वेट वगैरह या जो भी उसमें डिजिट्स होंगे उसके नंबर, वो खुद चेकआउट करके आपको उतना मिल्क मशीन से बाहर आने लगता है. आप अपने उसमें अपनी बोतल यूटेंसिल्स जो भी आप उसमें लगाइए, मिल्क बाहर आएगा और आप लेकर जा सकते हैं. मीन्स नो नीड ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन की नीड ही नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, टोकन होना चाहिए. सेम ऐसे ही बहुत सारी मशीन्स हमने ऑफिसेज में लगी देखी होंगी, मूवीज में, सीरियल्स में, ऑफिसेज एरिया में होती है. वहां पे क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए पूरा स्टाफ बैठ के काम कर रहा है, साइड में एक मशीन लगी हुई कॉफी की मशीन, और उसमें सिर्फ हमें बटन प्रेस करके कॉफी लेनी होती है. तो कुछ ऐसी मशीन्स मार्केट में आ चुकी हैं. अभी ये बात है कि हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि सभी जगह पर ये पॉपुलर हो गई हैं. कुछ बड़े शहरों में इस टाइप की मशीन्स चल रही हैं, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल आउट करने का काम करती हैं. तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, फीचर्स भी हैं, उसको हम देखेंगे आगे. तो इसमें देखिए सबसे पहले एडवांटेजेस के पॉइंट्स दिए गए हैं, एडवांटेजेस ऑफ एवीएम. इसको इन शॉर्ट में हम बोलते हैं एवीएम, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन. ठीक है, अब यहाँ से एटीएम को हटा देते हैं हम. एवीएम में देखिए फर्स्ट पॉइंट इज सेल्स आर पॉसिबल एट एनी टाइम, नो बार ऑफ टाइम ऑन सेल्स. यहाँ पे किसी भी टाइम सेल्स पॉसिबल है, टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 10 बजे का शॉप बंद हो गई होगी, अब नहीं, अब शॉप खुली हुई नहीं मिलेगी. तो ये क्या है, 24 आवर वर्क करती है मशीन है वैसे भी, सो दैट्स व्हाई इसमें जो है पॉसिबिलिटीज टाइम की हमें नहीं है. सपोज कीजिए हमें सुबह 4 बजे 5 बजे बहुत जल्दी मिल के निकले जाना है, इन दैट केस हमें शॉप खुलने का वेट करना पड़ता है. ऐसा नहीं है, मशीन लगी हुई होती है, मशीन में ऑटोमेटिकली फिल आउट होता है.
वहाँ पे जो भी पर्सन हैं वो फिल आउट कर देते हैं फुल डे का अपने पूरे दिन का, तो सो डेट्स वाइज यहाँ पे टाइम की फाउंडेशन हमारे पास आके बिल्कुल फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, सेल्समैन इज नॉट नीडेड। सेल्समैन की तो नीड ही नहीं है, जैसा कि हमने इसके अभी कंसेप्ट में देख ही लिया। आफ्टर डेट वी गेट द प्रोडक्ट्स ऑफ सिमिलर वेट एंड क्वालिटी। इसके अंदर सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलता है, जो प्रोडक्ट यहाँ पर सेल आउट किया जाता है, वो सेम क्वालिटी और सेम वेट का होता है। मीन्स जैसे सपोज कीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप सपोज कीजिए आपने दाल परचेज की शॉपकीपर से रिटेलर से, तो दालों में क्या होता है वो लोग थोड़ा सा वेट कम कर देते हैं। मैंने 1 किलो दाल मांगी तो 1000 ग्राम मुझे मिलनी चाहिए, मुझे 990 ग्राम दे दी, आपको 980 दे दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया 950 दे दी, किसी ने ध्यान दे लिया तो 1000 ग्राम। तो यहाँ पर क्या है कि वो लोग क्या कर सकते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग वेट की सबको दे सकते हैं, कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज, जिसे क्वालिटी अच्छी, जिस पर्टिकुलर कस्टमर जो वेल नोन है कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, तो उसे तो अच्छा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वो, और जिस कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता उसे वो इनफीरियर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है उसको भी सेल आउट कर रहे हैं सेम प्राइस में। तो वो सब चीजें यहाँ पर जो है वो सारी डिसएडवांटेज यहाँ पर आकर के क्या हो जाती है, एक बार को लैक हो जाती है, वो नहीं रहती है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ मशीन नहीं जानती, वो किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है मशीन। कोई भी पर्सन वहां पे जाके कॉइन डाले वो सेम वेट सेम क्वांटिटी में क्या निकालेगी, प्रोडक्ट आपको देगी। नेक्स्ट वी गेट फ्रेश प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उसके अंदर उतने ही प्रोडक्ट डाले जाते हैं जितना कि एक दिन में दो दिन में कंज्यूम हो जाए, जैसे उनकी इस तरीके से उनकी स्टोरेज कैपेसिटी हो उतना ही प्रोडक्ट उसमें डाला जाता है। सो डेट्स वाई हमें फ्रेश प्रोडक्ट यहाँ से मिलता है। मशीन इज नॉट डिफिकल्ट टू ऑपरेट। इन मशीन को ऑपरेट करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता, इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट इट। एंड द लास्ट वन इज नो फियर ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट अलार्म आर इंस्टॉल इन द मशीन। इन पर्टिकुलर मशीन से प्रोडक्ट की चोरी होने का भी कोई डर नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी थेफ्ट का जो अलार्म है उसको क्या कर दिया जाता है, उसके अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है पहले ही थेफ्ट अलार्म। अगर कोई मशीन के साथ ज्यादा छेड़खानी करने की कोशिश करता है, उसको ज्यादा इधर उधर से उसके अंदर किसी भी तरीके से गुड्स उसके अंदर से चोरी करने की कोशिश करता है, तो वहां पर जो थेफ्ट अलार्म लगे होते हैं वो जहां भी उसके ऑनर्स बैठे होते हैं, ऑनर्स के पास अलार्म बज जाते हैं, तो कैमरेज लगे होते हैं, कैमराज होते हैं सब जगह पर, तो आप सीसीटीवी कैमरा की नजर में होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें यहाँ पर सेव हो जाती हैं और चोरी का डर बिल्कुल भी नहीं रहता। इसके बाद ये एडवांटेजेस थी, कुछ डिसएडवांटेजेस के भी पॉइंट है बेटा। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन सपोज कीजिए सेलर नहीं है तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया सेल्स प्रोसेस इज कॉस्टली। यहाँ पर जो सेल्स प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि मशीन को ऑपरेट करने का भी एक्सपेंसेस होता है, मशीन की सफाई वगैरह कराना, मशीन परचेज करना, मशीन में जो प्रोडक्ट होते हैं वहां से मशीन जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी मशीन की कॉस्ट के जो प्राइस हैं, मशीन की जो कॉस्ट है उसकी जो प्राइस है वो भी तो प्रोडक्ट में ही ऐड कर दिए जाएंगे ऑलरेडी। तो यहाँ से मीन्स हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं इन कम्पेयर टू द मार्केट, बिकॉज ऑफ मशीन जितने जितनी अमाउंट की है वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दी जाएगी। वो बात अलग है, हम जो है उसको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितनी उसकी सपोज कीजिए जो मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स है, तो हम 10 ईयर्स में जितने प्रोडक्ट परचेज सेल आउट करेंगे उसमें हम उसकी कॉस्ट को ऐड करेंगे, धीरे 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 राइट ऑफ करते हैं। सब चीजें अपने अकाउंट में पढ़ ली होंगी, तो वो वाली बात है कि सेल्स जो प्रोसेस होता है यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली होता है। सोचिए हमें सीसीटीवी भी लगाने पड़ रहे हैं और हमें वहाँ पे जो अलार्म है वो भी लगाने पड़ रहे हैं, तो सो डेट्स वाई वो सब जो कॉस्ट जा रही है कहाँ से जा रही है, वो सब प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही प्राइस में ही ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन इज ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर। इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर पे भी बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नेक्स्ट कॉइन्स ऑफ द सेम साइज आर नीडेड। हमें सेम साइज के कॉइन की नीड होती है जो उसके अंदर डाले जा सके, डिफरेंट डिफरेंट साइज के कॉइन यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट्स कैन वेस्ट अवे इफ नॉट सोल्ड। अगर प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हुए और प्रोडक्ट उसके अंदर रह गए और जो ऑनर थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया तो वो प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, आपके वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूजफुल टू सेल ओनली फ्यू आइटम्स। ये जो पर्टिकुलर मशीन है
वो पर्टिकुलर कुछ आइटम्स को सेल आउट करने के लिए ही यूजफुल है। हर तरीके का आइटम हम सेल आउट नहीं कर सकते यहाँ पे। कुछ पर्टिकुलर डेली यूज की थिंग्स है हमारी, उन्हीं को सेल आउट करने के लिए इन्हें हम यूज कर सकते हैं। बाकी जो हमारे बिग साइज के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल आउट करने के लिए हम इन मशीन को यूज नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन वाला जो टॉपिक है बेटा समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी अगर आपकी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।